फाइव सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट सच में एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है आप सभी के लिए। पूरा का पूरा पैसा वसूल गाड़ी एक इस सेगमेंट में बन जाती है। अब बात आती है भाई, क्या फाइव सीटर को इस सेवन सीटर बना सकते हैं? अगर आप भाई फाइव सीटर को सेवन सीटर बना सकते। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो में। तो गाइज आज है आपके सामने द ऑल न्यू मारुति इको फाइव सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट जो आप देख रहे हो भाई। इकोनॉमिकल के साथ साथ एक बढ़िया कैरियर है आपके लिए जो आप देख रहे हो। आपके जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, इंक्लूडिंग द फैमिली पर्पस के लिए भी ये गाड़ी हमारे हिसाब से भाई बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि भाई आप देख सकते हो गाड़ी में आपको कितना बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है। दोस्तों फाइव सीटर सीएनजी के साथ साथ बढ़िया सी आपको इस गाड़ी में एसी भी देखने को मिलेगी जो आप देख सकते हो भाई। एसी का यहाँ पे बाकी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आपके लिए हाजिर है भाई। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अब 5 जनवरी की मैन्युफैक्चरिंग है। 2022 के लेटेस्ट प्राइसेस हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पीएस मोटो। तो भाई गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइसेस की बात कर लेते हैं, तो 5,88,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइसेस की बात करें, सीएनजी वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस पड़ता है अराउंड 6,75,000 रुपए, जिसमें आपको भाई पूरी कंप्लीट गाड़ी मिल जाती है। एक्सेसरीज की कॉस्टिंग अलग से है जो मैं आपको बता दूं, और बाकी गाड़ी की ओवरऑल फीचर्स आपको हम लोग वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, सबसे पहले बढ़िया सी की से। तो भाई कुछ ऐसी की मिलती है आपको, इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग गाड़ी में नहीं दी जाती है, केवल आपको नॉर्मल सी की देखने को मिलेगी। ऑडियो सिस्टम वगैरह भी आपको नहीं मिलेगा, हालांकि इंटीरियर फीचर्स की हम लोग ज़रूर बात करेंगे, बट सबसे पहले 2022 इको के बढ़िया से फ्रंट को देख लेते हैं जो आपको नॉर्मल पहले भी देखने को मिलता था। 2022 में भी इस गाड़ी को कोई भी मेजर अपडेट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बता दूँ। बस इसकी प्राइसेस है वो लेटेस्ट है जो आप देख रहे हो। तो ओवरऑल ये है आपकी सीएनजी की बैजिंग जो आप देख पा रहे हो। वाइपर्स आपको यहाँ पे नॉर्मली दिए गए हैं जो एज यूजुअल दूसरी गाड़ियों में दिए जाते हैं, और बाकी आप देख सकते हो मिरर्स पे कुछ यहाँ पे ऐसा फिनिश है। डोर हैंडल्स की बात करें तो नॉर्मल ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स हैं आपके, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई स्लाइडिंग वाला डोर है जिसके लिए आपको यहाँ पे सेक्शन दे रखा है। पीछे की बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो भाई कुछ ऐसा बूट स्पेस है आपको यहाँ पे, और ऊपर आपको एक बढ़िया सी लाइट भी दी गई है। पीछे पार्किंग सेंसर आपको दो दिए गए हैं, और यहाँ पे काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे मिल जाता है। पीछे का लुक कुछ ऐसा है मारुति की इको का, चाबी से आप इसको आराम से खोल सकते हैं। दो पार्किंग सेंसर्स और एयर बैग की आता है आपको इस गाड़ी में। टेल लाइट्स काफी छोटे छोटे साइज की हैं। पीछे का टेल गेट ओपन करते हैं, तो भाई इको का कुछ ऐसा है यहाँ पे स्लाइडिंग वाला डोर जो आप देख रहे हो। सीएनजी फिलअप की बात करें तो भाई यहाँ पे आप जो है गाड़ी की सीएनजी फिल करा सकते हैं जो आप देख पा रहे हैं। भाई लॉक भी हो जाती है, सीएनजी की टेस्टिंग और बैजिंग यहाँ पे दे रखी है आपको, और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फाइव सीटर के सीएनजी वेरिएंट में कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो गाइज ओवरऑल डायमेंशन की बात करें भाई, काफी अच्छी गाड़ी है। 1200 सीसी के पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ आती है। माइलेज की बात कर लूँ तो भाई सीएनजी में आपको आराम से 20-22 का ही माइलेज देगी। 12 सीसी का आपको यहाँ पे एक तो पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा एक तो पावरफुल है, और उसी की वजह से इस गाड़ी का थोड़ा सा कर्व वेट भी हैवी है ये गाड़ी थोड़ी सी। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल सी आपको मारुति की एज पर यूजल अदर कार्स में जो बिल्ड मिलती है वही इस गाड़ी में भी मिलती है। टायर साइज की बात कर लेते हैं तो आपको R13 यानी R13 इंच कट आपको यहाँ पर टायर मिलेगा C8 का देखने को। इंडिकेटर पर आपको जो है फेंडर पे आपको जो है इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। तो अब जैसे हम लोग इसके याले डोर को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे इंटीरियर का फिनिश मिलता है। भाई हार्ड प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी अच्छे से किया गया है। एसी की क्वालिटी को भी हम लोग जरूर से ज़रूर चेक करेंगे भाई, जो कि काफ़ी एक बढ़िया एक्सपेक्ट होने वाला है। तो अभी करते हैं गेट को बंद और चलते हैं ड्राइवर साइड सीट की तरफ। तो यहाँ पे जो है आपको फ्यूल का दे रखा है, यहाँ से आप पेट्रोल भराएंगे और उस साइड से आप सीएनजी भराएंगे, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जैसे ही डोर खोलते हैं तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है भाई, पूरा मतलब ब्लैक सा इंटीरियर है। अब चलते हैं इंटर इन द इको के सीएनजी वेरिएंट। तो गाइज़
हम लोग आ गए हैं द ऑल न्यू मारुति इको के बढ़िया से सीएनजी वेरिएंट में, जो आप देख रहे हो भाई। और सीएनजी यहाँ पे देखते हैं अभी कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनजी का यहाँ पे आपको दे रखा है, और हमने कर दिया इंजन को स्टार्ट, एसी को कर दिया है ऑन। तो भाई जो एसी का फ्लो है काफी अच्छा है इस गाड़ी में। 5 सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट सच में एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि भाई बढ़िया एक तो एसी है, आराम से अच्छा खासा बूट आप भर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा पैसा वसूल गाड़ी एक इस सेगमेंट में बन जाती है फॉर द इको। बाकी मीटर आप देख सकते हो 180 की आपको यहाँ पे स्पीड मार्किंग भी दी गई है, और यहाँ पे आप पेट्रोल का देख सकते हो, सीएनजी की आपको यहाँ पे दिखेगी जो रीडिंग रहेगी। बाकी स्विच करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी दे रखा है। तो ओवरऑल इको में आपको कुछ खास सा इंटर नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मल सी ही आपको यहाँ पे सब चीज़ें देखने को मिलेगी। ऑडियो सिस्टम भी इसका कुछ खास नहीं है, क्योंकि भाई मिलता ही नहीं है, वो आपको आफ्टर मार्केट या आप शोरूम में भी लगवा सकते हो। ग्लो बॉक्स की साइज़ की बात करें तो भाई ग्लो बॉक्स का साइज़ कुछ ऐसा है। एसी को कर देते ऑफ, इंजन की वाइब्रेशन आप सुन सकते हो भाई कैसी आ रही है। तो रिफाइनमेंट की बात करें तो भाई इंजन का रिफाइनमेंट थोड़ा सा ओके है, और जैसे बंद करेंगे आपको हल्का सा यहाँ पे धड़धड़ाहट की भी आवाज समझ में आएगी। तो भाई 5 सीटर सीएनजी यही रही हमारी। यहाँ पे देख लेते हैं भाई कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दिया गया, इनफैक्ट एक लाइट एक याली दी गई है येलो कलर की, और एक पीछे भी आपको यहाँ पे लाइट दी जाती है। पावर विंडोज यहाँ पे नहीं हो सकते थे भाई, चारों आपने ऐसे ही मिल जाते हैं। तो भाई अगर एक फैमिली पर्पज के लिए सस्ती सी एक बढ़िया सी स्पेशियस 5 सीटर सीएनजी कार चाहिए तो आपके लिए सच में बेस्ट कार है भाई। 7 लाख के अंदर आपको एक बढ़िया सा स्टोरेज और बढ़िया सा एक परफॉर्मेंस वाली गाड़ी आराम से मिल जाती है, इनफैक्ट पहाड़ों तक में ये गाड़ी भाई चलती है। तो चलते हैं भाई हम लोग अब इसकी रियर सीट्स में। तो डोर को ओपन कर दिया है, और भाई बैठने का सिस्टम इस गाड़ी का काफी ठीक है, नो डाउट भाई ठीक ठाक लगता है, क्योंकि हेडरूम और लेगरूम की कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है, थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है, और डोर को बंद करने पे कुछ ऐसा सिस्टम आता है भाई। तो और इको काफी बढ़िया है, और पीछे आपको अच्छा खासा यहाँ पे सिलेंडर भी देखने को मिलेगा, जो आप देख पा रहे हो भाई अच्छी खासी जाली लगी हुई है, और इतना साफ बूट स्पेस आपको मिल जाता है। अब बात आती है भाई क्या 5 सीटर को 7 सीटर बना सकते हैं। अगर आप भाई 5 सीटर को 7 सीटर बनाते हो तो भाई आरटीओ में चढ़वाने में आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि कंपनी की तरफ से भाई प्रेस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको बता दूं। और कुछ ऐसा हेडरूम आता है भाई काफी अच्छा है यहाँ पे मुझे बैठने के बाद, नो डाउट भाई काफी सही फील हो रहा है। चलो ये सब बातें हो गई हमारी द ऑल न्यू इको की, हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। तो भाई हमने सारी चीजें आपको बता दी द ऑल न्यू मारुति इको की, होपफुली आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल पीएस मोटो। बाकी हम आपके लिए ऐसे डिटेल्ड वीडियोस और लाते रहेंगे रिगार्डिंग ऑल द मारुति कार, सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल पीएस मोटो। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो जरूर पूछ सकते हैं, बेझिझक।